वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके गाइस से बिल्कुल ना देखें। फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ फ्रेंड कि जो हमारे थ्री फेस मोटर होती है हम उसे सिंगल फेस से किस प्रकार से चला सकते हैं। हाँ फ्रेंड, ये बिल्कुल सही है, आप थ्री फेस मोटर को जो है कि सिंगल फेस से चला सकते हो। फ्रेंड कई बार क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि क्या वो सक्सेसफुली और वो राइट नहीं चल पाएगा, तो हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, हाँ वो सही साइड चलेगा, सही साइड उसकी कंडीशन रहने वाली है। फ्रेंड वही सब कुछ हम इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। फिर इंडक्शन जो मोटर होती है फिर उसको थ्री फेस के जो मोटर होती है फिर उसे सिंगल फेस में किस प्रकार से चलाया जाता है, फिर उसको हम तीन भागों में डिवाइड करके समझेंगे। फिर किस प्रकार से फिर जो उसको चलाया जाता है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड तो वीडियो में एंड तक बने रहे, तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रोमाइ वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड, तो आइए फ्रेंड आज का वीडियो जो कि हम शुरू करते हैं। फ्रेंड तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है, साथ में एक इंडक्शन मोटर है गाइस, उसके बाद में हमारे पास एक पावर बोर्ड है। फिर इसी में फिर जो है कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ फिर इसमें हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाने फिर कनेक्शन के बारे में, कौन सा कनेक्शन फिर इसमें किस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है गाइस, इसका कनेक्शन क्या रहने वाला है। उसके बाद हम जानेंगे उसमें कैपेसिटर की वैल्यू फैन यानी कितने एचपी की मोटर पर हम कौन सा कैपेसिटर हमें लगाना चाहिए मालूम होना चाहिए गाइस, कि हमें एचपी के हिसाब से जो कि हम इसमें कैपेसिटर ऐड करने वाले फैन वो किस प्रकार से इसमें कैपेसिटर का हम पता लगा सकते हैं वो हमें वीडियो में आपको सिखाऊंगा गाइस। बहुत सिंपल से फंडे से आपको मैं सिखाऊंगा इसकी किस प्रकार से आप जो है कि इसमें कैपेसिटर की वैल्यू जो है कि पता कर सकते हैं बाद में। उसके बाद में फ्रेंड जो है कि हम इसमें इसके साथ साथ सब कुछ इसमें सीखने वाले। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है मोटर का लोड फैन यानी कि हमारी जो न्यू मोटर जैसे कि हम थ्री फेस पर जब मोटर को चला रहे हैं फैन तब उसके जो लोड की कैपेसिटी वो क्या है, और उसके बाद जब हम इसे सिंगल फेस पर चलाएंगे तो इसकी लोड की कैपेसिटी है वो क्या रहने वाली है, क्या उतना ही लोड हम उस पर वापस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, सब कुछ इसी वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो फिर वीडियो को पूरा वॉच करें फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले फ्रेंड जो कि हम कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं गाइस, कनेक्शन जो किस प्रकार से किए जाते हैं फिर कनेक्शन जो कि क्या होता है फिर किस प्रकार से हम इसके कनेक्शन करने हैं। फिर कनेक्शन जो कि हम इसमें दो प्रकार से कर सकते हैं गाइस, हमारे पास जो है कि दो प्रकार से हम इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। ये वाला जो कनेक्शन आप देख रहे हो फ्रेंड ये हमारा स्टार कनेक्शन है और ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है गाइस, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन रहने वाला है फ्रेंड, और ये वाला दूसरे नंबर का जो कनेक्शन रहेगा वो गाइस हमारा स्टार में रहने वाला है। जो हमारा डेल्टा कनेक्शन रहेगा फ्रेंड अगर इस कनेक्शन से हम मोटर की कनेक्शन करते हैं तो हमारी मोटर फॉरवर्ड में चलेगी फ्रेंड, और हम स्टार में कनेक्शन करते हैं गाइस तो हमारी मोटर जो है कि रिवर्स में चलने वाली है। कनेक्शन दोनों का सेम रहने वाला है, मोटर के हमें टर्मिनल चेंज करने वाले हैं। तो इसमें स्टार डेल्टा किस प्रकार किया जाता है फ्रेंड, तो कुछ इस प्रकार तीनों पॉइंटों को मिलाकर फ्रेंड जिस प्रकार इस पत्ते में मिला हुआ है ये हमारा डेल्टा है फ्रेंड, इन तीनों पत्तियों को अगर ऊपर से हम एक लाइन में मिलाएंगे तो फिर वो स्टार का कनेक्शन हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड में जान लेते हैं फिर कि फॉरवर्ड में हमारी मशीन जो होती है वो किस प्रकार चला जाती है। फॉरवर्ड में जो फिर हमारी राइट हैंड की तरफ मोटर चले यानी कि सीधी अगर मोटर चलानी तो इसमें डेल्टा कनेक्शन हमको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड जो कि हम कैपेसिटर के दोनों वायरों को कुछ इस प्रकार से दोनों टर्मिनल में जोड़ देंगे, कुछ इस प्रकार से हम चाहे तो फ्रेंड इन दोनों को इस टर्मिनल में भी जोड़ सकते हैं, किन्हीं भी दो टर्मिनल में इसको हम आसानी से जोड़ सकते जाए। यहाँ पर कैपेसिटर के दोनों वायरों का आपस में चेंज भी कर सकते हो फिर किन्हीं भी दो तारों को जोड़ना है, लेकिन बीच का वायर आपको जरूर लेना है फिर बीच में आपको सेंटर पास नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक पावर बोर्ड है गाइस, इस पावर बोर्ड से फिर जो कि मेन पावर की जो लाइन है वो एक कैपेसिटर में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में एक न्यूट्रल की वायर जो लेंगे फिर हमारे नॉर्मली घरों में सिंगल फेस में एक न्यूट्रल एक फेस होता है, तो हम न्यूट्रल की वायर जो इस वाले टर्मिनल पर जो खाली है फिर इसके साथ में अटैच कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डेल्टा कनेक्शन हो जाता है जो कि हमारी मोटर को फॉरवर्ड यानी कि राइट हैंड की तरफ घुमाना यानी कि रिवर्स में अब घुमाना सके, ये हमारा रिवर्स का आ गया गाइस। दूसरे नंबर इसमें हम कैपेसिटर को ऐड करेंगे फिर कनेक्शन हमारा वो सेम रहने वाला है फिर जिस प्रकार से हमने उसमें कनेक्शन किए थे। यहाँ पे किन्हीं भी दो सेल के बाद दोनों वायरों को फिर किन्हीं भी दो टर्मिनलों के साथ हमें अटैच कर देना है बहुत ही इजीली। यहाँ पे जो कि किन्हीं भी दो टर्मिनल कर सकते हैं आप, इन दो टर्मिनल पर कर सकते हो या फिर इन दो टर्मिनल पर कर सकते हैं हम, किन्हीं भी हम इन दोनों पास वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर रहे हैं देख सकते हैं। फिर इस प्रकार से आपको जो कि बहुत ही ईजिली उनको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हम फेस का वायर लेंगे, इस वाले टर्मिनल पर साथ में हम कनेक्ट कर सकते हैं फेस का वायर भी, आपने कैपेसिटर के जो वायर लगा फिर वहाँ पे किन्हीं भी दो टर्मिनल पर आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कैपेसिटर में न्यूट्रल फेस नहीं होते गाइस, आप किन्हीं भी दो वायरों को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में फिर ये हमारा न्यूट्रल का वायर है जो कि इस प्रकार से हमने इसमें इसको असेंबल कर दिया फिर
फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा रिवर्स का जो कनेक्शन है वो भी एकदम सक्सेसफुल हो चुका है फ्रेंड। इस प्रकार से फ्रेंड जो कि आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो फ्रेंड। फ्रेंड अगर आप यहाँ पे समर्सिबल 3 फेज का कनेक्शन करना चाहते हो तो वो उसका अलग रहेगा फ्रेंड। आप कमेंट जरूर करें, हम उसका भी आपको कनेक्शन सिखाएंगे फ्रेंड। उसके बाद में आता है हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू। फिर हमें कैपेसिटर की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो फ्रेंड ये आपको वैल्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर अगर आपके घर में नॉर्मल 220 वाट आ रहा है फ्रेंड, तो वहाँ पर आपको जो कैपेसिटर यूज करना है 70 UF का करना है फ्रेंड। 70 UF के साथ में आपका कैपेसिटर का वोल्टेज रेटिंग जो होनी चाहिए वो 250 वोल्टेज का लोड झेलने की आपकी कैपेसिटर की रेटिंग होनी चाहिए, उस पर लिखा हो रहता है। मान लीजिए गाइस आपका 70 UF का आपका अगर कैपेसिटर है फ्रेंड, तो ये 1 KV लोड के बराबर, तो नहीं 1 वाट के बराबर 70 KV UF का सेल का जो लोड होता है। मान लो अगर हमारे मोटर फ्रेंड अगर 10 KV वाट की है गाइस, तो हम 70 भाई 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 700 UF, यानी कि हमें इस मोटर में अगर 70 KV वाट की मोटर में हम 700 UF का जो है इसमें कैपेसिटर गाइस यूज करने वाले हैं। फिर अगर आप यहाँ पे 12 की आपका मोटर, तो आप 70 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 की हो तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर जितनी भी प्रकार के मोटर है, अगर आपके अगर 5 की मोटर तो 70 में आप 5 का गुना कर दीजिए फिर आपका उतने यूएफ का आपको कैपेसिटर उसमें यूज़ करना है गाइज। यहाँ पे उसके बाद आ रहे हैं मोटर का लोड। फिर मोटर में जो लोड है फिर वो हम किस प्रकार से कितने लोड पर जो कि मोटर को हम चला सकते हैं गाइज, अपनी चलेंगे। फिर लोड की वैल्यू क्या होती है, किस प्रकार से कितनी मोटर पे हम कितना लोड जो कि गाइस यहाँ पे दे सकते हैं। मान लगा फिर अगर 3 फेज मोटर का अगर हम कैपेसिटर जोड़ने के बाद, यानी कि 3 फेज मोटर में अगर हम कैपेसिटर जोड़ते हैं, तो फिर हमारी मोटर की जो आउटपुट पावर है वो कितनी रह जाती है फिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्टार्टिंग जो पावर रहेगी फिर वो 25 से 30% रह जाती है फिर, यानी कि 100 में से आपको 30 से 25% स्टार्ट हमारी मोटर की पावर रह जाती है। उसके बाद मोटर की जो मेन पावर होती है फिर वो रहती है हमारे 70 से 80%। फिर मान लीजिए गाइस अगर हमारी मोटर है फिर इंडक्शन मोटर, अगर वो 10 MP ले रही है फ्रेंड, तो जब उसमें हम कैपेसिटर ऐड करेंगे गाइस, तो हमारी मोटर जो कि 7 से 8 या 6 से 7 एम्पियर ही वो ले सकती है फ्रेंड। इससे ज़्यादा का लोड हम उस पर नहीं डाल सकते फ्रेंड, उतना लोड पे हम उसे वापस नहीं चला सकते फिर, यानी कि आपकी मोटर की जो है कि 20 से 30% लोड कम हो जाता है फ्रेंड। अगर इससे ज़्यादा 10 इससे ज़्यादा लोड अगर उस पर देंगे तो हमारी मोटर फूक सकती है, जल भी सकती है। यानी कि अगर मोटर मान लो फिर अगर 10 HP का काम कर रही है, तो फिर 10 एम्पियर का मोटर गाइस हमारी अगर ले रही है, तो फिर उसका एम्पियर कम हो जाएगी, यानी कि उस पर हम लोड को हमको कम देना पड़ेगा। जितने लोड पर हम उसे चला रहे हैं उतना लोड हम उसमें नहीं दे सकते फिर। तो यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन एक बार और रिवर्स कर दूँ फ्रेंड। ये हमारा फॉरवर्ड मोटर का कनेक्शन है, इस प्रकार से देख सकते हो कि इसको हमने एकदम बेसिक नहीं किया हुआ है फ्रेंड। कनेक्शन जो है कि हमारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए फ्रेंड। यहाँ पे आपकी इंडक्शन मोटर की प्लेट है फ्रेंड। फ्रेंड मैं आपको वापस कहूँगा फिर, अगर आपको समर्सिबल मोटर के बारे में जानना है फिर, अगर समर्सिबल मोटर आप 3 फेज को अगर सिंगल फेज पर चलाना चाहते हैं गाइस, तो आप कमेंट जरूर करें, साथ में हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में ना आए या फिर अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, तो फ्रेंड आप जरूर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि यहाँ पर सर आपने गलती की। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे फ्रेंड हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा फ्रेंड। ये मेरे सजेशन के हिसाब से जो मैं मोटर में कनेक्शन करता हूँ फिर, कई बार जो फिर मैं समर्सिबल मोटर रिवाइंडिंग करता हूँ, तो मैं अपने शॉप पर उसको सिंगल फेज से ही चलाता हूँ गाइस। तो ओके फ्रेंड, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। साथ में हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना छोड़ें फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट